नवंबर 1992, पुरानी दिल्ली की एक सड़क पर अंशु गुप्ता की मुलाकात हुई हबीब से। हबीब एक लाश ढोने वाला था। हर साल सैकड़ों लोग दिल्ली की ठिठुरती सर्दी और चिलचिलाती गर्मी से जूझते हुए दम तोड़ देते हैं। फुटपाथ पर पड़ी इन्हीं लावारिस लाशों से हबीब अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन हबीब की 7 वर्षीय बेटी बानो के लिए इन लाशों का एक अलग ही महत्व था। मैं तो लाशों के साथ ही सोती हूँ, लाश तंग नहीं करती ना, करवट भी नहीं बदलती। बच्ची की बात मेरे लिए बड़ी शॉकिंग थी। मुझे लगा कि इस बच्ची से चंद किलोमीटर दूर पर हम जैसे लोग रहते हैं, जिनकी अलमारियाँ गर्म कपड़ों से भरी पड़ी हैं, और एक ये बच्चे हैं जिनको जो इतना एक्सट्रीम है कि उसको यदि सोना है रात को ठंड से बचने के लिए तो उसको लाश के साथ चिपक कर सोना पड़ता है। फिर कपड़े को आप लोग अलमारियों के अंदर दबा के रखते हैं और किसी डिजास्टर की वेट करते जाते हैं। मैं हमेशा पूछता हूँ कि इस देश में तो आर्य देश को डिजास्टर की जरूरत ही नहीं है। आने वाले कुछ सालों में अंशु ने महसूस किया कि रोटी, कपड़ा और मकान, जो कि हर एक इंसान की जरूरत है, उसमें से कपड़ों की अहमियत को हम कितना नजरअंदाज कर देते हैं। तभी अंशु ने सोचा, क्यों ना एक गूंज दी जाए। 1998 में अंशु ने अपने ही घर के 2 कमरों से गूंज की शुरुआत की। बहुत ही छोटे लेवल पर गूंज की शुरुआत हुई थी 1998 में, जब हमने अपनी अलमारियों से ऐसे कपड़े निकाले थे जो हमने पिछले लगभग 3 साल से यूज नहीं करे थे, और हमने पाया कि करीब 67 कपड़े 67 कपड़े हमारी अलमारियों में थे। उससे कहीं ना कहीं बुनियाद पड़ी गूंज की। वस्त्रदान की सफलता के बाद गूंज ने कई नए कार्यक्रम शुरू किए। इन सभी कार्यक्रमों का एक ही लक्ष्य था, रीयूज। देखिए, समाज के 2 इकोनॉमिक पार्ट हैं, एक वो है जिनके पास बहुत कुछ है, एक वो है जिनके पास बिल्कुल कुछ नहीं है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो बहुत कुछ वाला जो समाज है उसका जो अंडर यूटिलाइज मटीरियल है वो एक बहुत बड़ा रिसोर्स बन सकता है दूसरे समाज के। जब दक्षिणी भारत में सुनामी आई तो गूंज ने अपनी कार्य प्रणाली को और तेज कर दिया। अचानक हमने देखा कि जहाँ हर नुक्कड़ पर कोई ना कोई आदमी रिलीफ इकट्ठा कर रहा है, कोई ना कोई संस्था इस काम में लगी हुई है, लोग 30-40 किलोमीटर से उठ के हमारे पास आते थे सामान देने के लिए। आई थिंक ये मौका था जब हमें लगा कि अब जो है गूंज का कहीं ना कहीं एक पैर जो है वो जम चुके हैं, उसकी गूंज है, फैल रही है। गूंज की सफलता का यही कारण है अंशु के सदे हुए प्रिंसिपल्स और काम करने का सुलझा हुआ तरीका। दिल्ली और कुछ शहरों में हमारे तमाम कलेक्शन सेंटर्स हैं जो वॉलंटियर्स के घर हैं, उसमें लोग लगातार सामान देते हैं और ये सारा सामान हमारे सेंट्रल गोडाउंस में आता है और वहाँ रिग्रेस सॉर्टिंग के थ्रू निकलता है। उसमें देखा जाता है कि कौन सा कपड़ा किसके लिए ज़रूरी है, सिलना है, धोना है, वो गाँव के लिए अच्छा है भी कि नहीं है, और उस पूरे प्रोसेस के बाद उसकी एक पैकिंग की जाती है और फिर हम लोग इसको डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मोड के थ्रू दूर दराज के गाँव में भेजते हैं। महिलाओं का एक बहुत ही इग्नोर्ड इशू रहा है सैनिटरी नैपकिन का इशू, और आप ये विश्वास नहीं करेंगे कि यहाँ पे महिलाएं नैपकिन के नाम पर रेत इस्तेमाल करती हैं, राख इस्तेमाल करती हैं, पॉलिथिन इस्तेमाल करती हैं, जूट के गनी बैग इस्तेमाल करती हैं। तो हम कपड़े पे काम करते हुए हमको लगा कि हमारे पास एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है। हम किसी भी तरह का पुराना फटा हुआ कॉटन कपड़ा यदि ले आते हैं जहाँ से भी मिलता है और उसको एक पर्टिकुलर साइज में काटते हैं और एक बहुत ही नॉर्मल तरीके का नैपकिन बना के लोगों को देते हैं, जो हर महिला इन एनी केस कपड़े का इस्तेमाल करना जानती है। सिर्फ फर्क इतना है कि उसके पास कपड़ा उपलब्ध नहीं होता। एजुकेशन में मुझे लगता है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम और जो सबसे इग्नोर्ड इशू रहा है वो मटेरियल का रहा है। क्या आप बच्चों को कहते हो कि आप पढ़ो, बट आप उनको ना तो कॉपी देते हो ना पेंसिल देते हो। हमने इसलिए क्या किया है कि हमने शहर के स्कूलों को गाँव के स्कूलों से जोड़ने की कोशिश की है कि शहर के स्कूल का जो भी अंडर यूटिलाइज मटेरियल है वो हम तक आ जाए, प्रोसेस से गुजरे और गांव के दूर दराज बच्चों तक आपके वाटर बॉटल, लंच बॉक्स, पेंसिल, स्कूल बैग सब कुछ पहुंच सके। पूरे सामान की एक चिंदी भी यहाँ वेस्ट नहीं जाती। यदि कोई फटी हुई जीन्स है तो उसको ऊपर का हाफ पेंट बना के बाकी को स्कूल बैग में बदल देते हैं। साड़ी, चुनिया, तमाम तरह की दरियां बनती हैं, मोबाइल कवर बनते हैं और डिफरेंट तरीके के बैग बनते हैं। यहाँ तक कि जो पुरानी पॉलिथीन हम लोग इकट्ठी करते हैं जिसमें लोग सामान हमको देते हैं उसको भी हम एक अंदर की शीट में बुनते हैं और उसके चारों ओर कपड़ा मोड़ देते हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छा टारपोलिन का काम इस टाइम दे रहा है। गूंज भी आप ही की तरह आम लोगों से बना है। बिना किसी गवर्नमेंट सपोर्ट या फंडिंग के ये पिछले 10 सालों से काम करते आ रहे हैं। आप भी गूंज की आवाज बन सकते हैं। एक पेंसिल, एक नोटबुक, एक कपड़ा या ऐसी कोई भी एक चीज बन सकती है किसी की जिंदगी का सहारा, नई आशा की किरण, किसी की भावनाओं का दर्पण, किसी के मन की गूंज।